ये जो पेशेंट है सरोज देवी, ये मेरे पास आई थी कुछ महीने पहले। 10 साल से इसको बच्चा नहीं हो रहा था, तो मेरे पास आई तो इसका रिपोर्ट बहुत ख़राब था। मैंने उम्मीद नहीं किया था कि इतनी जल्दी इसको बच्चा ठहर जाएगा, बट बच्चा ठहर गया, जल्दी ठहर गया। और ये बहुत सारी पेशेंट हैं कि जब बच्चा ठहर जाता है तो मुझे मेरे पास ही आती रहती हैं, तो ये पेशेंट भी उसी में से थी कि इसने मुझे छोड़ा नहीं, ये आती रही मेरे पास। लेकिन बहुत जल्दी हम लोगों ने नोटिस किया कि इसका बच्चेदानी जो है एक ही तरफ बढ़ता है और ज़्यादा नहीं बढ़ता। और जब आ रही थी तो इसका पेट जो है लोटा की तरह टाइट हो जा रहा था और हमेशा पेन रह रहा था इसको। फिर हम लोगों ने लेवल 2 अल्ट्रासाउंड करवाया, एनटी स्कैन भी कराया, क्योंकि इसका उम्र बहुत ज़्यादा हो गया था, 35 साल हो गया था। तो एनटी स्कैन में तो ठीक आया, पर लेवल 2 अल्ट्रासाउंड कराने में जब पता चला कि दोनों बच्चे ठीक है, चूँकि जुड़वा बच्चे थे तो चांस था कि समय से पहले बच्चा हो जाएगा, क्योंकि दो बच्चे का वजन, दो पानी के थैली का वजन, दो पुराइन का वजन बर्दाश्त नहीं कर पाएगा बच्चेदानी जो है, क्योंकि सब मिला के बहुत ज़्यादा वजन हो जाता है, तो इतना वजन वो बच्चेदानी बर्दाश्त कर नहीं पाएगा, 9 महीने तक खींच नहीं पाएगा। तो समय से पहले इसको जिस तरह का लक्षण आ रहा था, बार बार दर्द हो रहा था और पेट टाइट हो रहा था, ईटा की तरह हो रहा था, तो हम लोगों को समझ में आ रहा था कि बच्चा नीचे की तरफ बार बार खिसक जा रहा है, और हम लोग उसको सुई वगैरह दे के बच्चेदानी में गोली लगाने का और खाने का दे के ऊपर कर रहे थे, लेकिन बार बार वो नीचे की तरफ आ जा रहा था। तो इसके बाद हम लोगों ने उसको पेशेंट को लेवल 2 अल्ट्रासाउंड कराया, और लेवल 2 अल्ट्रासाउंड में सब कुछ सही आ गया कि जुड़वा बच्चे तो हैं मगर वो दोनों अलग अलग थैली में हैं, लेकिन पूरा इन एक ही। तो हम लोगों ने उसको फिर स्टिच दिया बच्चेदानी के मुंह पे, यहाँ पे हम लोगों ने स्टिच दिया। आप जो देखते हैं रास्ता वो ये होता है, मगर हम लोग टीवी करके देखते हैं 1 फिंगर 2 फिंगर खुलता है, उस एरिया को जहाँ पर 1 फिंगर 2 फिंगर खुलता है हम लोगों ने वहाँ पे स्टिच दे दिया ताकि बच्चा समय से पहले ना गिरे। इसके बावजूद भी मरीज 6.5 महीने पे भर्ती हुई, क्योंकि उसको पानी गिरने लगा और दर्द हो गया, और मुझे बड़ा मुश्किल समझ में आ रहा था कि 6 महीने पे मैं इसका क्या करूँ, क्योंकि एक बच्चा भी होगा तो भी कामयाब नहीं हुआ, इसके तो 2 बच्चे हैं, तो चूहा जैसा बच्चा NICU में भी ठीक से पल नहीं पाएगा, डॉक्टर भी नहीं बचा पाएंगे वहाँ पे, पीडियाट्रिशियन भी नहीं बचा पाएंगे। इसलिए हम लोगों ने उसको कंटिन्यू किया, उसको भर्ती किया। फिर हम लोगों के पास जो बेड है उसमें पैर का साइड उठा दिया, और हम लोगों ने उसको पानी जहाँ से गिर रहा था, लीक हो रहा था, उसको बंद होने के लिए सुई पानी लगाया। फिर उसके बाद से जब पानी बंद हो गया तो हम लोगों ने उसको पानी ना गिरे उसके लिए टैबलेट दे के घर पे भेजा, और थोड़ा रेस्ट करने के लिए बोला, मतलब इतना रेस्ट नहीं कि बेड पे पैखाना पेशाब करना पड़े, इतना रेस्ट नहीं करना होता है, वो थोड़ी चल फिर सकती थी और घर के खाना बना सकती थी, बस उनको रेस्ट के नाम पे आपको झाड़ू पोछा और उठक बैठक वाला काम मना था, कपड़े धोने के काम बने थे, भारी काम बने थे, मना किया गया था, बाकी सब वो कर सकती थी वो काम। तो इस तरह से करके उनको भेज दिया गया। फिर उसके बाद से फिर 7.5 महीने पे अभी वो भर्ती रही थी, जब मेरी माँ का देहांत हो गया और हम लोग क्रियाक्रम में गए हुए थे, इस बीच में वो भर्ती हुई।
पर उनको 2 दिन भर्ती होने के लिए कहा गया, पर उन्होंने एक ही दिन में ठीक होने के बाद बोला कि अब ठीक हो गई हूँ तो मैं घर जा रही हूँ, और उन्होंने एडवाइस नहीं मानी। फिर एक हफ्ते के अंदर आज फिर पूरा नाइटी में पानी का थैली फूटने के कारण पूरा नाइटी भिंगा के वो आई, पूरा पानी गिर गया। मैंने गार्जियन को दिखाया कि बच्चे का हेड माथा दिख रहा है, उसका बाल दिख रहा है, और वो जो स्टिच था उसको मैंने जल्दी से काटा, क्योंकि अगर नहीं काटती तो वो बच्चेदानी 2 भाग में कट जाता, क्योंकि वो धागा तो गलने वाला नहीं होता है, तो गलता नहीं। और जहाँ से टाँका पड़ा था, यहाँ से टाँका पड़ा था, तो 2 भागों में नीचे वाला पोर्शन अलग, ऊपर वाला, नीचे वाला पोर्शन अलग। यहाँ अगर मैंने टाँका दिया था, ये 1 फिंगर 2 फिंगर जहाँ खुलता है उसके ऊपर, तो अगर मैं सर्विक्स के ऊपर दी थी तो सर्विक्स कट के अलग हो जाता और पूरे बच्चेदानी का बॉडी अलग हो जाता। तो इसलिए हम लोगों ने, वैसे तो बहुत मुश्किल हुई क्योंकि इतना मुंह खुल गया था मरीज का, तो भी हम लोगों ने टाका काटा और उसको डिलीवरी के लिए राय लिया कि आप नॉर्मल चाहते हो कि सिजेरियन। तो उन लोगों ने नॉर्मल के लिए बोला, बाद में उन लोगों ने सिजेरियन के लिए भी बोला, पर हम लोगों ने अल्ट्रासाउंड करके देख लिया कि दोनों बच्चे सीधे थे, और दोनों बच्चे बच्चा सीधा था, उल्टा नहीं, एक भी नहीं था। और अल्ट्रासाउंड में मैंने ये भी देखा कि पानी भी ठीक ठाक था और बच्चा दोनों 2-2 किलो का था, तो मैंने सोचा कि ये नॉर्मल हो सकता है। तो मैंने उन दोनों को, उन लोगों ने बाद में बोला कि मुझे रिस्क नहीं चाहिए, आप सिजेरियन करके चाहें तो निकाल दीजिए, लेकिन मुझे बच्चा चाहिए होगा अच्छे से, कोई खराब खराब नहीं होना चाहिए। और एक बच्चे का हार्ट बीट खराब जा रहा था, क्योंकि वो नीचे, जो बच्चा नीचे घसक गया था उसका माथा दब रहा था, तो हार्ट बीट थोड़ा लो जा रहा था। तो ये लोग घबरा गए थे और बोल रहे थे कि नहीं आप ऑपरेशन कर दीजिए, मरीज भी दर्द बर्दाश्त नहीं कर रही है। लेकिन हम लोगों ने नॉर्मल के लिए ट्राई किया और भगवान की दया से इंशाल्लाह सब कुछ अच्छा हुआ और दोनों बच्चे सही से हो गए। 2 बेटियां हुई हैं। नवरात्रि का समय है, मैंने बोला है कि नवरात्रि में दुर्गा माँ और लक्ष्मी माँ ही आएंगी,